पता नहीं सरकार क्या कारण है शांति के लिए रोक रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। ये रोकने का काम ये नया नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जननायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पर ही माल्यार्पण कर दिया है। और जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान के लिए? समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं, इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है, बताओ हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही है, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही है, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोकता। चलवा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं, समय समय पर जननायक जयप्रकाश जी उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रहकर के उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रहकर के उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले, ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। देखिए JP NIC वर्ल्ड क्लास एक जगह बनी है, और मुझे याद है जिस समय नेताजी ने शिलान्यास किया था उस समय देश के सोशलिस्ट नेता
नेताजी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे नेता रहे थे उस समय, और इस समय यही कोशिश थी कि देश का सबसे अच्छा एक सेंटर बने जहां पर समाजवादी लोग इकट्ठे हो सके। और जिस तरीके से इंडिया हेरिटेज सेंटर बना है उससे भी अच्छा या उससे बेहतर बने, तो आज के समय पर जो मॉडर्न जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था JPNIC के अंदर दिया गया है। स्पोर्ट्स सेंटर भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, पार्किंग स्पेस भी है, और लोहिया पार्क से मिलकर के इसलिए बनाया गया जिससे दोनों समाजवादी नेताओं का आपस में एक जगह ही हम लोग सम्मान दे सकें। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके उसको रोका है, और साजिश ये है कि ये वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनी है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि ये सरकार बेच करके लाभ लेना चाहती है। आप तो जीव जंतु ना, इसलिए वहां पे जाने के लिए जीव जंतु वहां। जो सरकार भेड़िए से, जो सरकार भेड़ियों से गरीबों को नहीं बचा पा रही, जो सरकार गुलदार से गरीबों को किसानों को नहीं बचा पा रही है, और अभी तक ये सरकार पता नहीं कर पाई है कि गरीब के बच्चों पे हमला कौन कर रहा है जिसकी वजह से जान जा रही है, तो वो सरकार हमारे स्वास्थ्य की चिंता क्यों कर रही है? क्या वहां पर कुछ है, बिच्छू है? ये कौन बोल रहा है बिच्छू है? इन्हें हमारे स्वास्थ्य की इतनी क्यों चिंता है कि हमें बिच्छू खा जाएगा? सरकार में ही बिच्छू है। ये भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया है। इसलिए जो लोग योगदान और जिनके कारण देश आजाद हुआ है उनका ये सम्मान नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी।